सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों आज आसूस ने लॉन्च कर दिया है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। तो इस फ़ोन की मैं पांच ऐसी खासियत बताऊंगा किस बात पे ये ख़रीदना चाहिए और पांच ऐसी बाबत बताऊंगा कि किस बात पे ये नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज एक वीडियो लाता रहूंगा। तो पहली जो बात आती इस फ़ोन की, तो उसका प्रोसेसर जो Redmi Note 5 Pro में था वैसा ही प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 636 1.8 GHz के प्रोसेसर पर ये चलता है। तो ये आपको ये प्रोसेसर मिलता है इस फ़ोन में, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। दूसरी बात इसकी आती है बैटरी, जो मेजर है हाईलाइट इस फ़ोन की। तो इसकी बैटरी आपको 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है। तीसरी बात इसकी प्राइस आपको इसमें बहुत ही कम है, क्योंकि 11000 से स्टार्टिंग होती है इसकी प्राइस, 11000, बाद में 13000 और बाद में एक 15000। 15000 वाला मॉडल अभी लॉन्च नहीं किया उन्होंने, पर आ जाएगा। पर ये तीनों मॉडल आपको जो Redmi Note 5 Pro है उससे बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल सकता है, तो एक बहुत थम्सअप है एक बात। चौथी बात उसका सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ क्या बताऊँ कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर प्योर एंड्रॉयड मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन इसमें किया गया है, पर अंदर जाके देखेंगे ध्यान से तब दिखाएगा, क्योंकि अबाउट फ़ोन में आप जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट में तो आपको बताएगा कि Zen UI इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। पर लेकिन इसमें प्योर एंड्रॉयड दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कस्टमाइजेशन ऐसा नहीं किया कि आपको दिख जाएगा कि ये कस्टमाइजेशन है। आपको लगेगा ही कि ये फ़ोन में आपको प्योर एंड्रॉयड ही है, नहीं कि कोई चेंजेस किए हुए। आप अबाउट फ़ोन में जाके देखेंगे सॉफ्टवेयर में तो इसमें Zen UI आपको दिखेगा। पांचवी बात जो बहुत ही अच्छी है, जो सभी फ़ोन में अभी नहीं मिलती पर इस फ़ोन में मिलती है, ट्रिपल स्लॉट हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें आपको नहीं मिलता, इसमें ट्रिपल स्लॉट आपको इसमें मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको 2 TB तक का एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको मिलता है, और 2 SIM कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दिया, पर इस प्राइस रेंज में भी नहीं दिया, वो बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस पांच बात पे आपको नहीं लेना चाहिए फ़ोन, जो मैंने पर्सनली जाना कि क्यों नहीं लेना चाहिए। पहली बात, कि इसमें 5000 mAh की बैटरी दी है पर इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं दिए। कंपनी ने बोला है कि फास्ट चार्जिंग 10 V का आपको इसमें बैटरी का आपको मिलता है, पर इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता, यानी कि टाइप सी पोर्ट भी नहीं मिलता या क्वालकॉम का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी नहीं मिलता। सिर्फ कंपनी ने बोला है कि फास्ट चार्ज होगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है ऐसा नहीं बोला। तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात इसका कैमरा, कंपनी ने क्या किया है कि दो कैमरा वेरियंट में इसके बांट दिया है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि 11000 वाला आप फ़ोन लेंगे तो आपको 13+5 MP कैमरा आपको मिलेगा ही, फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। वो बहुत नाइंसाफी है, क्योंकि एक ही मॉडल में एक ही कैमरा नहीं दिया, अलग अलग कैमरा अलग मॉडल में अलग कैमरा कर दिया है। 8 MP का सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया, बहुत बहुत बुरी बात है, क्योंकि Redmi Note 5 Pro है जिसमें आप 14000 में जो फ़ोन लेते हैं उसमें भी आपको सेम ही कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और आप 17000 वाला फ़ोन लेंगे इसमें भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इसमें 20 MP कैमरा आता है जबकि इसमें 8 MP का कैमरा आता है। हाँ, पर प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन ठीक है, पर कॉमन रखना चाहिए था, जैसे कि जो 13000 वाला फ़ोन है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में, तो उसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है जबकि इसमें आपको सिर्फ 8 MP का कैमरा मिलता है। तो ये एक पॉइंट है कि आपको इस बात पे लेना नहीं चाहिए जबकि आपको सेल्फी अच्छी चाहिए। तो तीसरी बात इसमें आती है कि इंफ्रारेड, हम सब जानते हैं कि MI के सभी फ़ोन में जो 5000-6000 वाले फ़ोन आते हैं इसमें भी आपको इंफ्रारेड सेंसर आपको मिलता है। इंफ्रारेड सेंसर इसमें आपको जो TV चलाना हो, कोई भी चलाना हो, तब इंफ्रारेड सेंसर आप उपयोग कर सकते हो, तो इस फ़ोन में ये नहीं है, तो इस पे आपको लेना हो तो भी नहीं ले सकते हो। चौथी बात इसमें आती है कि प्रोटेक्शन ग्लास, कंपनी ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि डिस्प्ले में कौन सा गोरिल्ला ग्लास लगाया है
कि नहीं लगाया है, इसमें कोई प्रोटेक्शन दिया हो गया नहीं है, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको स्पेसिफाई किया गया है कि इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाया हुआ है। तो ये एक बात है कि प्रोटेक्शन ग्लास इसमें नहीं लगाया है। अब लास्ट में जो पांचवी बात आती है वो है सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन। हम सभी जानते हैं कि MIUI 9 में आपको सभी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि ड्यूअल स्पेस हो गया, जैसे कि दूसरा कोई भी ये इंफ्रारेड का हो गया, दूसरी कोई भी बात हो, सेकंड स्पेस हो, ये सब जो कस्टमाइजेशन होते हैं और सब आप बदलना चाहते हो तो इसमें नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको प्योर UI एंड्रॉयड का ही मिलेगा, इसमें कोई कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिल सकता। तो ये एक डाउन डिसलाइक वाली बात है कि इसमें सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये पांच बात थी कि जिसमें आपको ये Zenfone Max Pro M1 आपको नहीं लेना चाहिए। पर मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा तो आपको जो पांच मैंने जो बात पहले बताई कि जो फ़ोन में लेना चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में आपको इतनी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, वो भी बहुत अच्छी है। तो आप इस फ़ोन ले सकते हो Redmi Note 5 Pro, क्योंकि वैसे भी आपको Redmi Note 5 Pro मिलता नहीं है, प्राइस भी इसकी ज़्यादा है, तो ये फ़ोन आपको लेना चाहिए। आप Zenfone Max Pro M1 नहीं कि आपको Redmi Note 5 Pro लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपको बताया जा रहा है कि फ्लैश सेल में आपको क्लिक करते हो तो नहीं मिलता, तो आप ये फ़ोन आप ले सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोज़ एक वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।